ट्रकर के साथ 10 लोगों का ग्रुप मिला था, जो 9 मेंबर थे उसमें से कुछ मेंबर अभी गायब हो चुके हैं, जिसने मेरे साथ लड़ाई की थी 100% डिपोर्ट किया गया है, उनके साथ ओवर फैशन की वजह से कुछ गड़बड़ हुई। अजरबैजान आना बेकार है, डोंकी मारने वाले, गड़बड़ करने वाले। अगर आप अनमेरिड है, आपका पासपोर्ट अगर फ्रेश है, तो आपके साथ आपत आ सकती है। अजरबैजान मेरी एंट्री हो चुकी है अजरबैजान में, घूमने लायक या आने लायक देश नहीं है। जिस टाइप से बिहेवियर उन्होंने अंदर किया, किसी को मार मार के वो लेके जा रहा, बस का सिस्टम थोड़ा अलग है। हाँ। नहीं बाहर का अभी यहाँ का करंट ये ही रहने वाला है। सिटी सेंटर की बजाय इधर ही उतर गए, स्टैचू के पास आ गए हैं। स्टैचू पता नहीं किस काम का, +7 टेम्परेचर है, लेकिन बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट कर रहा है, आवाज नहीं निकल रहा। अजरबैजान बाकू की मेट्रो, इधर उधर कैमरा नहीं घुमा सकता, पूरा फोड़ देंगे कैमरा। आईफोन के दीवाने हर कंट्री में मिलेंगे, देख सकते हैं क्या बेच रहे हैं। देख सकते रेट 10 यानी की 450 कढ़ाई 15। और ये रहा उनका एड्रेस, बड़ा बिलाई की 100 बाकू। नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभी अजरबैजान इमिग्रेशन के पार। ये रहा बैगेज का पट्टा। अजरबैजान इमिग्रेशन का अनुभव इतना घटिया रहा कि हम 9 लोगों का ग्रुप करके यहाँ आए थे, उसमें से सिर्फ 2 लोगों को उन्होंने निकाला है बाहर। क्या शक हुआ था उनको ये रास्ता ना बोल के, उन्होंने हमें गाइड कर दिया, एकदम साइड कर दिया। पता नहीं क्या है उनका, जो इंडियन के साथ बिहेव करने का जो ये था उनका, जो वो कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको लग रहा था ये कोई डोंकी मारने वाले है शायद। जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट पूरा खंगाल डाला, तब जाके उनको उन्होंने, जब मेरा ट्रैवल हिस्ट्री पहले का देखा, तो पहले 10 मिनट में मेरे को बाहर निकाल दिया। ये रहा उनका स्टैम्प अजरबैजान का, लेकिन जितना भी है उनका अनुभव अच्छा नहीं है। मिलते हैं हमारे पुणे के ही कुछ दोस्त, जय महाराष्ट्र करके 8-10 लोगों का ग्रुप मिला था, मराठी बोलने वाले, अरे मेरे गांव या मेरे सिटी के। आपका नाम सर? सुधीर। योगेश कुछ तो बोलो। योगेश थोरा, पुणे। पुणे कोथरूड। पुणे कोथरूड, कोथरूड वारे वगैरे सुद्धा मला माहिती आहे। अजरबैजान में आके शायद लगता है कि जो 9 मेंबर थे, उसमें से कुछ मेंबर अभी गायब हो चुके हैं, जिसने मेरे साथ लड़ाई की थी वो भी गायब हो चुका है, उनको 100% डिपोर्ट किया गया है। अब ये देखेंगे कि कैसा क्या करना है इधर, क्योंकि मेरी तो हिस्ट्री अच्छी थी और एज भी अच्छी थी, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। शायद हो सकता है उनके साथ ओवर फैशन की वजह से कुछ गड़बड़ हुई। अजरबैजान आना बेकार है मेरे को लगने लगा है अभी, क्योंकि जो फर्स्ट पासपोर्ट पे आते हैं, अगर उनका लुक अच्छा नहीं है तो भाई वो ज़रा सावध रहना, क्योंकि यहाँ से कुछ डोंकी मारने वाले, गड़बड़ करने वाले, ओवर एक्टिंग इस टाइप से जो लोग होते हैं, उनको एक 10 मिनट में निकाल बाहर करते। इतना अनुभव होने के बाद भी सारा पासपोर्ट भरा पड़ा है, तब भी अगर आप अनमेरिड है, आपका पासपोर्ट अगर फ्रेश है, आप कहीं नहीं घूमे हैं, आप बता नहीं पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ट्रिप के बारे में, तो आपके साथ आपत आ सकती है अजरबैजान में। तो अजरबैजान में आपको आना है तो प्रिपेयर करके ही पहले आना है, नहीं तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी आपको। हमारा ग्रुप तितर पितर चुका है पूरा, डिपोर्ट होने वाले मेंबर्स बहुत परेशानी का सामना करेंगे अभी, उनको अलमट्टी जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो उनसे फ़ोन हुई थी वो बैठे हैं फ्लाइट में। तो देखते हैं अभी बाहर जाके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे अजरबैजान। ऑफिशियली मेरी एंट्री हो चुकी है अजरबैजान में, लेकिन ये यहाँ घूमने लायक या आने लायक देश नहीं है, क्योंकि जिस टाइप से बिहेवियर उन्होंने अंदर किया, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा अजरबैजान आने के लिए। अभी अभी एक पुलिस व्हीकल मिला था, किसी को मार मार के वो लेके जा रहा था।
वो यहाँ बस का सिस्टम थोड़ा अलग है, कार्ड बनवाना पड़ेगा, बैंक कार्ड, ऑटो, बस, बेल्टी, बस टिकट्स 333 समथिंग लाइक दैट, इसमें बनवा टिकट बनवाया है। दो मन्नत का एक कार्ड बनता है, दो कार्ड एक्सेस बने हैं, जाने के लिए कम से कम तीन मन्नत का बैलेंस। जिस एयरपोर्ट बस में हम सफर कर रहे हैं उसको लगने वाला था 150 मन्नत, थोड़ा गड़बड़ी हो चुका है हमारा डबल डबल कार्ड लेने में। ये रहा वो बस जो अभी सिटी सेंटर लेके जाएगा। अभी इस बस के शीशे ऐसे बने हैं कि कुछ दिखेगा ही नहीं बाहर का, इस टाइप से शीशे है बस के। मन्नत मन्नत मन्नत, अभी यहाँ का करंसी यही रहने वाला है 2 दिन, आज का पहला डे और कल दूसरा, तीसरे दिन निकल जाएंगे हम अगली कंट्री। ऑफिशियली इस बस से एयरपोर्ट से बाकू, और हमारा जो मटेरियल अभी निकलना है ताकि कोई पंगा हो गया है वो निकल ही नहीं रहा। ये ऑटोमेटिक बैठ गया स्टेशन करोगोलो, सिटी सेंटर स्टेशन करोगोलो, स्टेशन करोगोलो, स्टेशन करोगोलो, नो गो सिटी सेंटर, नो गो सेंटर, वी वांट टू गो सिटी सेंटर, सिटी सेंटर में जी ना, इधर करोगोलो स्टेशन है सब। सिटी सेंटर की बजाय इधर ही उतर गए। एयरपोर्ट से टैक्सी में बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस और ये रहा अजरबैजान का बाहर पड़ने पे उपाय। मौसम एकदम ठंडा है, लोग अभी तक तो अच्छे ही मिले थे, लेकिन एयरपोर्ट का पांगा छोड़ के ये हम अभी है सिटी सेंटर में, बाकू सिटी का सिटी सेंटर। जहाँ बस खड़ी थी वहाँ रोड क्रॉस करके इस स्टैचू के पास आ गए हैं। स्टैचू पता नहीं किस काम का है, अभी ठंड कुछ तो +7 जब टेम्परेचर है, लेकिन बहुत ही लग रहा है टेम्परेचर, ज़बरदस्त इम्पैक्ट कर रहा है, आवाज़ नहीं निकल रहा। ये आ गई वहाँ की मेट्रो, अजरबैजान बाकू की मेट्रो। मैप हमें घुमा रहा है, ऑफलाइन मैप जो डाउनलोड किया था, ऑफलाइन मैप की वजह से इधर का उधर उधर का इधर हो रहा है, पता नहीं चल रहा कि होटल को जाने के लिए जो एक्चुअल रास्ता चाहिए था वो कैसे। ऐसी पत्तियां हमने यहाँ पे भी देखी थी, ताशकंद। ये भी मोमेडियन कंट्री होने की वजह से ये इधर उधर कैमरा नहीं घुमा सकता, तो पूरा फोड़ देंगे कैमरा। आईफोन के दीवाने हर कंट्री में मिलेंगे, आईफोन की 2-4 दुकानें अब तक मेरे पीछे जा चुकी हैं। ये इधर का स्पेशल वाइब है, उनको ओल्ड टाइप का कल्चर तो चाहिए लेकिन नए चीज़ें भी हाथ में चाहिए। आप देख सकते हैं ये क्या बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं रेट, ये सारे 6 श्रिम्प सूप, वेज स्टार्टर, वेज वो छोड़ो स्टार्टर, नॉन वेज चिकन कोलीवाड़ा 10 यानी कि 450 बस, स्टार्टर नॉन वेज है चिकन 65 12 और 19 पनीर कड़ा 15 वेज कड़ा 47 राइस बिरयानी। ये रहे उनके रेट और ये रहा उनका एड्रेस, बड़ा पिलाई यहाँ पे रेट देख के भाग रहे हैं सारे, एक एक खाना 1,000 रुपये कसरत रोटी आ रहा है, वो ओनली रोटी 1,000।